और रूम में क्या क्या दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक होटल रिव्यू पर। अगर आप एक बजट फ्रेंडली 3 स्टार होटल ढूंढ रहे हैं कोयम्बतूर तमिलनाडु में, तो आप बिल्कुल सही प्लेस पे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक होटल के बारे में। तो ये होटल जो है वो तमिलनाडु लोकेशन में पड़ता है, जो कि कोयम्बतूर सिटी पे है। तो अगर आप कोयम्बतूर जाने का प्लान कर रहे हैं और एक अच्छा बजट फ्रेंडली 3 स्टार होटल ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए बने रहिए, मैं सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर होटल का पहले मैं आपको रूम टूर देने वाली हूँ और होटल में क्या क्या फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, ये है होटल की गैलरी। हमारा रूम जो हमको मिला था वो 2nd फ्लोर पे मिला था और रूम नंबर 202 था। तो पहले हम रूम टूर कर लेते हैं और रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए रूम टूर करते हैं पहले। तो जैसे ही हम रूम पे इंटर करेंगे, तो आपको इंटर करते ही नीचे साइड शूज़ रैग मिल जाएगा एक, जो कि आप ओपन करके अंदर साइड रख सकते हैं और चाहे इसके ऊपर रख सकते हैं। साथ ही साथ उससे लगा हुआ ये क्लोज़ेट मिल जाएगा। तो अभी अंदर मैं ये क्लोज़ेट खोल के दिखाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं, पहले पूरा रूम टूर कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। और रूम में क्या क्या दिया गया है वो हम आपको भी दिखाते हैं। ये है एक बेड जो कि क्वीन साइज का है। ये टेबल दिया गया है, कॉफ़ी टेबल, साथ में 2 चेयर दिए गए हुए हैं उसके साथ, ये टेबल और ये मिरर दिया गया है, साथ में ये कॉफ़ी मेकर, कप, कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्या है ये है दूध मिल्क कॉफ़ी, बॉटल में पानी दिया गया है, इसके साथ कांच की ग्लास है। ये कवर्ड है, कवर्ड में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा सामान रखना, आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपना कोई पैसे या ज्वेलरी वगैरह कुछ अगर आपने कैरी किया है तो आप इसमें रख सकते हैं। और ये 2 हैंगर दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ पर अपने कपड़े सामान टांग सकते हैं। साथ में है ये बाथरूम, तो बाथरूम में आपको मिल जाएगा एक मिरर, मिरर के साथ एक लाइट, बेसिन मिल जाएगी, यहाँ पर आप टॉवल टांग सकते हैं, एक डस्टबिन है, वहाँ पर बाथ के लिए है। तो ये है वॉशरूम और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा एक टीवी, टीवी के साथ साथ आपको यहाँ पर ये नाइट लैम्प भी मिल जाएगा। एक डस्टबिन मिल जाएगी, साथ में ये एक चेयर भी मिल जाएगा। इस होटल में 24/7 चेक इन चेकआउट फैसिलिटी अवेलेबल है। इट मींस लाइक अगर आप जिस टाइम पे चेक इन कर रहे हैं तभी से वो कैलकुलेट होगा अगले 24 आवर के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप भी चेक इन किया है इवनिंग में 9 PM पे, तो वो नेक्स्ट डे 9 PM में इवनिंग में वो 24 आवर काउंट होगा। तो इस तरीके से, और इस होटल में आपको जिम मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन रूम मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो
ये सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, रूम सर्विस है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। अगर आप कोयम्बतूर, ईशा फाउंडेशन वगैरह घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देते हैं, इवन कैब फैसिलिटी वगैरह भी देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चार्ज वगैरह करते हैं। और कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना है वो भी उसके भी वो लोग आइडिया दे देते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं कोयम्बतूर में। तो स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली था, काफ़ी अच्छा था। तो और हम लोग रात को 9 बजे पहुँचे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिनर किया क्योंकि रेस्टोरेंट 11 बजे बंद हो जाता है होटल का। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर आ गए थे ये रात के टाइम पर अपना डिनर फिनिश करने, तो हम लोगों ने चाइनीज़ ही ऑर्डर किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइमिंग जो होता है वो 7:30 to 10:30 रहता है। तो यहाँ पर बफेट सिस्टम रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो पहले तो हम लोगों ने रात में अपना डिनर फिनिश किया। डिनर में भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये मेनू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोगों ने हल्का ही खाया था, हम लोगों ने चाइनीज़ ऑर्डर किया था जिस दिन हम लोग पहुँचे थे। और उसके बाद फिर डिनर करके, उस दिन तो हम लोग थोड़ा टायर्ड थे तो रात में तो पहुँचे ही थे, तो फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 9 AM पे ब्रेकफास्ट करने गए। तो ब्रेकफास्ट का सीन इस तरीके से था, ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं मैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। बफेट सिस्टम रहता है ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ पर आपको ये टी कॉफ़ी मिल जाता है, टोस्ट मिल जाता है, ये टोस्ट मेकर भी रखा हुआ है, और आपको बटर मिल जाता है। अगर आपको मूसली खाना है तो मूसली ऑप्शंस भी है, मिल्क और मूसली आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जूस मिल जाता है, लाइक वाइट पेठा जो होता है ना, ऐश गार्ड, उसका जूस मिल जाएगा यहाँ पर, वाटरमेलन का जूस मिल जाएगा। फ्रूट में आपको पाइनएप्पल और पपाया मिल जाएगा, उसके साथ यहाँ पर इडली मिल जाएगी, चटनी, और अभी इडली गरम गरम आ रही थी तो। और ये सांभर है, ये उपमा है, और बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर। सूजी का हलवा, सॉरी गाजर का हलवा था, एग था, तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर। ये डोसा बन रहा था गरम गरम, तो आप ऑर्डर करके अपनी टेबल पे भी मंगवा सकते थे। और ये ओवरऑल यहाँ पर आप, ये आपका ब्रेकफास्ट और लंच एरिया था, तो ये है रेस्टोरेंट एरिया। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो मैंने खाया था, ये पूड़ी, बड़े, कुछ फ्रूट्स ले लिए थे और डोसा वगैरह खा लिया था। तो ओवरऑल एक बार ब्रेकफास्ट करने के बाद तो मुझे तो भूख नहीं, तो ओवरऑल ये होटल मुझे अच्छा लगा। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी कोयम्बतूर आते हैं और एक बजट फ्रेंडली 3-स्टार होटल ढूंढ रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 24/7 चेक इन चेकआउट फैसिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी है, प्रेजेंटेशन रूम है, जिम फैसिलिटी है, रूम सर्विस है, लॉन्ड्री सर्विस है, सब कुछ है। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।